जमानत याचिका खारिज होते ही जब वो खबर भाईखला में पहुंची तो रो पड़ी रिया चक्रवर्ती। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ये उम्मीद नहीं लगा रही थी कि आज उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। कल से वो आश्वस्त थी कि उनको जमानत मिल जाएगी। सतीश माने शिंदे ने भी उनको बताया होगा, तो काफ़ी रिलैक्स लग रही थी कल। कल अच्छे से सोई, उन्होंने खाना भी ठीक ठाक से खाया और आज उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उन्हें बेल मिल जाएगी। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है और जो कुछ कबूल किया है वो उन्हें बेल नहीं दिला पा रहा। NCB के पास बहुत पुख्ता सबूत हैं कि क्यों रिया को जेल में रखना चाहिए। कल हाईकोर्ट मूव करेंगे, कल भी मामला मुश्किल लग रहा है। बहुत सारे मंडे को नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं, 27A है, 26 भी काफ़ी हद तक है, तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं। तो ऐसे में अगर रिया हाईकोर्ट भी जाती हैं तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। पूरा वीकेंड, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 3 दिन रिया को जेल में ही बिताने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूँ, रिया जो हैं जेल में अलग बैरक में रखी गई हैं, अलग से एक सेल में रखी गई हैं, चूँकि क्वारंटीन करने की बात थी। इंद्राणी मुखर्जी इस जेल में हैं और अब तक मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्या इंद्राणी और रिया की मुलाकात हुई है, क्या इस तरह की कोई खबर आई है, मगर अब तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई जहाँ रिया और इंद्राणी की मुलाकात की बात की जाए। चूँकि इंद्राणी सभी लोगों से मिलती हैं जो नए लोग जेल में आते हैं, तो रिया चक्रवर्ती उन्हें ये लगता है कि वो इनोसेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया है और उन्हें ज़बरदस्ती जेल में रखा गया है। और इसीलिए आज जब सुनवाई हुई, जब उनके पास खबर पहुंची तो वो रो पड़ी। जबकि जनता जो है उन्हें पूरी तरह से यकीन है कि रिया ने सुशांत के साथ गलत किया है, रिया सुशांत के साथ हुए बुरे चीज़ों के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सरिता।